नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी दवाई में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं सात ऐसे फूड के नाम जिसका सेवन करना आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी है। हो सके तो दोस्तों आप इनको बिल्कुल ही कम खाएं या फिर खाना छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर सेवन, मशरूम। कच्चे मशरूम में दोस्तों कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए जब भी आप मशरूम बनाओ तो मशरूम को बॉयल कर ही बनाए। नंबर सिक्स, अंकुरित आलू। इसमें ग्लाइकोल का लोड होते हैं, इससे डायरिया, सर दर्द या माइग्रेन के चांस बढ़ते हैं, तो इसको तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। नंबर फाइव, फास्ट फूड। पिज्जा, बर्गर, मोमो, चिल्ली पटाटो, चाउमीन। फास्ट फूड में दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट होते हैं, इससे मोटापा तेजी से बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ती है। नंबर फोर, कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही आपकी याददाश्त और दांत कमज़ोर होते हैं। नंबर थ्री, मैदा। इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, मैदा से बनी चीज़ों से इंडाइजेशन होता है, इसके ब्लीचिंग एजेंट से हीट की प्रॉब्लम होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नंबर टू, नमक। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इससे हाई बीपी, कैंसर, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और नमक हमारी हड्डियों को भी गलाता है। नंबर वन, चीनी। जी हाँ, शुगर। इससे लीवर में ग्लाइकोजेन की मात्रा कम होती है, ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज, मोटापा, थकान, माइग्रेन, अस्थमा और फेस पर रिंकल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है।